ओके, सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ब्रेस्ट सर्जरी के लेक्चर्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं, और इसमें अभी तक हम पहुंच गए थे बिनाइन डिजीज़ ऑफ द ब्रेस्ट के ऊपर. और बिनाइन डिजीज़ ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर लिए हैं. दो बिनाइन ट्यूमर्स हैं जिनकी यहाँ बात करेंगे, और देन फिर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की तरफ मूव करेंगे. सो जो बिनाइन दो ट्यूमर्स हैं जिनके बारे में अभी आपसे बात करनी है, नंबर वन हमारे पास होता है फाइब्रोएडिनोमा, ठीक है, और नंबर टू हमारे पास है फेलॉइड्स ट्यूमर. अब इन दोनों की पिक्चर्स वगैरह आप ज़रूर देखें. मैं पिक्चर्स दिखा रही हूँ तो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यूट्यूब जो है वो उसके ऊपर लिमिट लगा रहा है. बहरहाल आई विल ट्राई कि मैं इसको सॉल्व कर लूँ. सो दोनों बहुत आसान से, और फेलॉइड ट्यूमर जो फाइब्रोएडिनोमा है इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं. सो आप लोगों ने याद ही रखना है कि फाइब्रोएडिनोमा यूजली जो फुली डिवेलप ब्रेस्ट होती है उसके अंदर ही अराइज होता है, ठीक है. सो फुली डिवेलप ब्रेस्ट में ये अराइज हो रहा होता है, और मोस्टली अगर हम देखेंगे तो ये यंग फीमेल्स के अंदर होता है. 22-25 ईयर्स ऑफ एज के अंदर मोस्टली वुमेन जा रही हैं. ओल्डर में भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर यंग्स में. ये ज़्यादातर 40 प्लस में होता है, और उस ब्रेस्ट के अंदर होता है जो इन्वॉल्यूट हो रही होती है, जबकि ये फुली डिवेलप ब्रेस्ट में होता है. एक बात, दूसरी बात हम लोगों ने याद रखनी है इसकी एटियोलॉजी में, कि होता ये है कि हमारा जो लोब्यूल है, ठीक है, या फिर आपकी जो सिंगल लोब्यूल है उसके अंदर बेसिकली हाइपरप्लेजिया स्टार्ट होता है. जब उसका हाइपरप्लेजिया होता है तो उस लोब्यूल का साइज़ बढ़ता है, वो 2-3 सेंटीमीटर की होके एक लम्ब सा बनाती है, ठीक है. और ये जो लम्ब है ये वेल डिफाइंड या वेल सर्कमस्क्राइब होता है, और इसके बड़े क्लियर से मार्जन्स होते हैं, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये इनकैप्सुलेटेड होता है. सो वेल सर्कमस्क्राइब विथ क्लियर मार्जिन इनकैप्सुलेटेड सा जो लम्ब है बेसिकली वो फाइब्रोएडिनोमा है, अगर यंग फीमेल के अंदर आया है. मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने बात याद रखनी है कि ये मोबाइल इन ऑल डायरेक्शन होता है, इसीलिए हम इसे माउस ऑफ द ब्रेस्ट यानी चूहा कह लें वो भी कहते हैं, क्योंकि क्या कर रहा होता है, कंटिन्यूसली इधर उधर 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 मूव भी कर रहा होता है, फुली मोबाइल होता है. सो मैंने आपको कहा कि ये फुली डिवेलप ब्रेस्ट में राइज होता है, 15-25 ईयर्स ऑफ एज की वुमेंस को इफेक्ट करता है, लेकिन ओल्डर को भी कर सकता है. इसमें सिंगल लोब्यूल का बेसिकली हाइपरप्लेजिया है, और उस हाइपरप्लेजिक लंप जो बन जाती है उसको एक कैप्सूल सराउंड करता है. सो ये फिल्म वेल सर्कम स्क्राइब होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने भी याद रखनी है कि ये नॉन टेंडर होता है, यानी पेनफुल नहीं होता, पेन लेस होता है, ठीक है. सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो ये अपर आउटर क्वाड्रेंट में आपको मिलता है, और हाईली मोबाइल होता है, ये बात आपने याद रखनी है. सो मोस्टली मेंशन करता है एक वुमन है बड़ी नॉक्शस है, हिस्ट्री के साथ आई है कि अपर आउटर क्वाड्रेंट में एक लंप है जो फुली मोबाइल है, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस तो वो आपके पास फाइब्रोएडिनोमा ही है, ठीक है. अब इस फाइब्रोएडिनोमा की हम लोग जो है वो डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, वही हम ट्रिपल असेसमेंट जो है उसी को फॉलो करते हैं, यानी हिस्ट्री कर लेते हैं, एग्जामिनेशन पे भी हमें समझ आ जाता है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए हम एमआरआई अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, यूजुअली अल्ट्रासाउंड, क्योंकि यंग फीमेल है, और अगर हाई रिस्क नहीं है यानी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की तो फिर आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, इफ़ हाई रिस्क है तो फिर आप एमआरआई की तरफ जाएंगे. यूजुअली इसमें हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर क्लिनिशियन जो है वो अनश्योर है या पेशेंट बहुत ज़्यादा नॉक्शियस है इस चीज़ को लेकर, तो फिर आप बायोप्सी करके कन्फर्म कर सकते हो. अगर लास्ट थिंग ये कि हमने इसका ट्रीटमेंट किस तरह करना होता है, तो ट्रीटमेंट आपने याद रखनी है कि इसमें मोस्टली हम लोग पेशेंट को रीअश्योर करते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है. लेकिन वो कह रहा है कि अगर कुछ ऐसे फीचर्स हैं तो फिर आप सर्जरी कर सकते हो. कैसे फीचर्स हैं? अगर वो बहुत ही सस्पिशियस लग रहा है, ठीक है, और आपने साइटोलॉजी भिजवा दी और वो साइटोलॉजी अब नॉर्मल आ रही है, तो फिर आप इसकी सर्जरी मस्टेक्टमी कर सकते हो. अगर ये लंप बहुत ज़्यादा लार्ज है तो मस्टेक्टमी कर सकते हो, और पेशेंट के अपने डिज़ायर है, वो कहते नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, एक लंप है और वो मोबाइल है और कॉस्मेटिकली भी ये मेरे लिए ठीक नहीं है या एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप इसकी क्या कर सकते हो, सर्जरी कर सकते हो. अब मस्टेक्टमी या सर्जरी के अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव, एक तो सर्जरी हो सकती है या कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. इन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के अंदर क्या किया जा सकता है, नंबर वन कायरो एब्लेशन करके उसको क्या किया जा सकता है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर देके उसमें वो किया जा सकता है, स्कीमिया इंड्यूस किया जा सकता है. नंबर टू, फिर हम हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं उनके साथ इसको हीट अप कर सकते हैं, और नंबर थ्री हम इसकी वन वैक्यूम बायोप्सिकल एक्सीजन भी कर सकते हैं. सो ये चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं. अगर वो कह रहा है कि ये फाइब्रोएडिनोमा बहुत जॉइंट है 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा और रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो फिर हम सब मेमरी इंसीजन यानी उसकी ई न्यूक्लिएशन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है.
है. सो मोस्टली हमने सॉरी मिस्टेक्टमी अगर मैंने यहाँ बोला तो गलत बोला, मोस्टली हम इसकी एक्सीजन ही करते हैं और वो भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, सर्जरी की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्या होता है ये पेशेंट को बिनाइन डिजीज़ है और ये ऑटोमेटिकली खुद ही कुछ टाइम के बाद रिजॉल्व हो जाएगा, रीअश्योर ही करते हैं. नंबर टू हमने कहा कि हमारे पास क्या हो सकता है, फेलॉइड्स ट्यूमर हो सकता है. सो फेलॉइड्स ट्यूमर की दो तीन बातें आपने याद रखनी है. एक तो ये बात याद रखनी है ये 40 to 45 ईयर्स की एज की वुमन को इफेक्ट करता है. दूसरा ये प्री मीनोपॉजली यानी कि बिल्कुल मीनोपॉज से थोड़ा सा पहले यानी मीनोपॉज 50-55 पे स्टार्ट होता है, ये इस टाइम होगा. और इसमें होता क्या है, इसमें जो ब्रेस्ट होती है यानी जो चेस्ट टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत एकदम से फास्टली लार्ज होते हैं, पेनलेस होते हैं, नॉन टेंडर होते हैं, ठीक है. उसके अलावा अगर हम उसकी चेस्ट की अपेयरेंस देखेंगे तो वो ये लिखता है कि ये बहुत ज़्यादा लार्ज मैसिव ग्रोथ होती है ब्रेस्ट के टिश्यूज़ की, ब्रेस्ट की मैसिव ग्रोथ होती है, बॉसिलेटेड सी होती है यानी स्किन सरफेस जो है उसके ऊपर अल्सरेशन और ब्रूजिंग प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन वो बिल्कुल पेनलेस होगी, नॉन टेंडर होगी, 40 to 45 में होगी. मोस्टली आपने याद रखना है कि ये भी क्या होता है, बिनाइन डिजीज़ ही होता है. इस फेलॉइड्स ट्यूमर को हम सीरोसिस्टिक या सिस्टोसारकोमा फेलॉइड भी कहते हैं, लेकिन वो मिसनॉमर सी टर्म है, ठीक है. उसके बाद कहता है कि इसकी फर्दर जो भी है वो वेरी करता है. वैसे खुद ये बिनाइन है लेकिन इसके अंदर मेटास्टेसिस अगर होगी तो फिर ये मैलिग्नेंट हो सकता है. सो मेटास्टेसिस जो है वो ब्लड के थ्रू पाई जाती है, इसलिए जब ये वुमेन आपके पास आती है तो आपने इसको एग्रेसिवली मैनेज करना है, ट्रीट करना है. इस ट्रीटमेंट के अंदर हम एक तो ई न्यूक्लिएशन यानी कि क्या करेंगे, उस ट्यूमर को अलॉन्ग विद द नॉर्मल टिश्यू रिमूव करेंगे, जिसके लिए हमें वाइड लोकल एक्सीजन करनी पड़ेगी यानी वो ट्यूमर और साथ ही साथ जो भी नॉर्मल एरिया है वो भी हम रिमूव कर लेंगे. उसके अलावा या फिर हम क्या भी कर सकते हैं, मैस्टेक्टमी भी एक ऑप्शन है, ये भी किया जा सकता है. सो ये न्यूक्लिएशन की जा सकती है, वाइड लोकल एक्सीजन या मैस्टेक्टमी की जा सकती है. तो ये दोनों आसान से ट्यूमर्स हैं जो कि बिनाइन है, जिसमें से फाइब्रोएडिनोमा का बारे में आपने याद रखना है, एक यंग फीमेल है, लंप है, मोबाइल है, इनकैप्सुलेटेड सा एक लंप फील हो रहा है आपको लेकिन वो नॉन टेंडर है, पेनलेस है, तो वो मोस्टली फाइब्रोएडिनोमा है. और इसी तरह अगर एक पेनलेस मास के साथ आ रही है 40 to 45 ईयर्स ऑफ एज की वुमेन और रैपिडली ग्रोइंग ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं और बॉसिलेटेड या अल्सरेटेड स्किन है तो वो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपका फेलॉइड्स ट्यूमर भी होगा. नाउ ये सारी की सारी हमारे पास हो गए बेनाइन डिजीजेस, अब हम स्टार्ट करेंगे मैलिग्नेंट डिजीजेस को. आई होप कि इसमें से कोई इशू नहीं है, इफ़ है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं.